जाने माने पत्रकार और सैकड़ों पत्रकारों के लिए आदर्श प्रोफेसर वेपा राव अब हमारे बीच नहीं रहे। 31 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रोफेसर वेपा राव एक नाम नहीं बल्कि पत्रकारिता में एक ब्रांड था। 28 जनवरी 1946 में आंध्र प्रदेश में जन्मे वेपा राव ने पत्रकारिता के क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल करने के बाद अपना पूरा जीवन विद्यार्थियों के लिए समर्पित किया। प्रोफेसर वेपा राव ने 2 दशक से ज्यादा समय तक विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी। प्रोफेसर वेपा राव ने अपनी शुरुआती शिक्षा आंध्र प्रदेश से ही हासिल की और उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी गए। प्रोफेसर वेपा राव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पत्रकारिता का रुख किया, लेकिन 1987 में पत्रकारिता के शिखर पर होने के बावजूद एकेडमिक्स ज्वाइन की। हालांकि इससे पहले प्रोफेसर वेपा राव ने हिंदुस्तान टाइम्स में संडे मैगजीन के संपादक पद तक का सफर तय किया। काबिले गौर है 1986 में एक्टिव जर्नलिज्म से दूर होने के बाद वेपा राव ने एकेडमिक्स का रुख किया और हिमाचल प्रदेश के शिमला से भारतीय उच्च अध्ययन संस्था में फेलो रहे। बस जो वो एक बार शिमला आए तो मानो यहीं के हो गए और हिमाचल में ही बस गए। प्रोफेसर वेपा राव को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आने का निमंत्रण मिला। इसके बाद उन्हें 1997 में HPU ने एक प्रोफेसर का पद सृजित किया। 1997 से 2006 तक वो इसी पद पर कार्यरत रहे। 2006 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी विभाग को आगे बढ़ाने के लिए UGC की पुनः रोजगार योजना के तहत उन्हें वापस लाया गया और 2010 में औपचारिक तौर पर प्रोफेसर वेपा राव सेवानिवृत्त हुए। हालांकि 1986 से 2018-2019 के बीच वो विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ पत्रकारिता भी करते रहे। प्रोफेसर वेपा राव के निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर परिवारजन और करीबियों को ढांढस बंधाया। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी आज उनके नाम और उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं।